हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबको कुछ अपने हाथों से बना हुआ चीज़ दिखा रही हूँ। ये मशीन का कवर है, पुराने पर्दे से बनाए हैं। पुराना पर्दा यूज करके दो पर्दा लगा है, ये अलग है, ये कलर अलग है। इसको मैं अपने हाथों से सिली हूँ मशीन से। और चलिए आप लोग को किचन में, किचन का कुछ देखिए। ये पायदान भी, इसको भी मैं बनाई हूँ। ये मैक्सी से बना है। मेरे घर में ज़्यादातर चीज़ सब मेरे हाथों से बना हुआ है। अपने हाथों से बना हुआ चीज़ ज़्यादा रखती हूँ, मुझे पसंद है। और ये एक पायदान मैं बीन रही हूँ, अभी बना रही हूँ। और यहाँ पर ये एक पायदान मैं बनाई हूँ झोले से, कैरी बैग जो होता है, जो सब्जी उब्जी इसमें लाते थे पहले हम लोग, प्लास्टिक बंद हो गया था, तो उससे इकट्ठा करके मैं फाड़ फाड़ कर कट कट कर उसको अच्छे से बीनी हूँ। और अब मैं आपको किचन में दिखाऊँगी। ये है किचन, इसका ये जो फ्रिज का आप कवर देख रहे हैं ना, ये फ्रिज का कवर भी मैं बेड शीट से बनाई हूँ। वो देखिए, ये फ्रिज का कवर मैं बेड शीट से बनाई हूँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको मेरे घर में मिल जाएंगे, मेरे घर में, जो मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। बहुत छोटा छोटा चीज़ बनाने के लिए मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाती हूँ। और एक ये देखिए, ये बल्ब से और ये सीमेंट में जमा कर ये मैं बनाई हूँ अपने हाथों से। डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। और ये देखिए, मैंने अपने किचन को कैसे व्यवस्थित किया है। किचन थोड़ा बहुत किचन बिखरा होगा और बाकी साफ है। देखिए ये खिड़की है, यहाँ पर मैं अपना बर्तन स्टैंड को रखती हूँ। और ये मेरा काउंटर, पूरा काउंटर है। यहाँ पर चूल्हा, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे चम्मच। और ये देखिए सबसे बड़ा चीज़, सबसे अनोखी चीज़ ये जो वायर का अंटा उंटा, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, इसको मैं कलर पेंट कर करके ये वो है, प्लाई है, प्लाई पे मैंने ये सीट पेपर लगा के, ये भी प्लाई है, ये ईटा है, इसको भी मैं कलर करूँ। और ये भी वही है जो अंटा, वो मैं बोली अंटा ही हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर एक और है लगा इसके यहाँ पर भी, और ये भी प्लाई है, ये भी ईटा है। इस तरह से इसमें अलमारी, मतलब सामान वहाँ रखने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं इस तरह से अपना जुगाड़ की। यहाँ पर भी एक लगा है, यहाँ पर भी ईटा लगा है, यहाँ पर डबल ईटा लगा है। इस तरह इसके नीचे भी एक ईटा लगा दें। और अंटा था नहीं मेरे पास, तो मैं इस तरह से अपने किचन को एक रैक के तरह यूज करती हूँ। अभी मैं बनाई हूँ कुछ दिन पहले, बहुत प्रॉब्लम होता है ऊपर सामान रखने में, इसमें एग्जास्ट नहीं है ना, तो ऊपर सामान रखने में पूरा दाग धब बर्तन पे तेल उड़ के पड़ जाता है इसलिए। और आप लोग देख लीजिए नीचे कुछ ऐसे फैला फैला है। यहाँ भी मैं कुछ करने को सोच रही हूँ, यहाँ एक पर्दा लगाना है हमको, कोई जुगाड़ नहीं नज़र आ रहा है कैसे लगाऊँ, किल भी नहीं लग सकता इसमें। और ऊपर से ये रेंटेस हाउस है, किराए का घर है, तो मैं इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकती हूँ। एक पायदान ये है, मैं पायदान बहुत सारा भी नहीं हूँ बनाई, बना बना रखी हूँ। ये देख लीजिए, ये भी मैं बनाई हूँ कि ये है। पर्दा भी साड़ी का बना, ये पर्दा साड़ी से बना। और एक चीज़ में देखा, बालकनी में मैं अपना गार्डन बनाई हूँ छोटा सा, पोछा पड़ा है बालकनी में, मैं अपना गार्डन छोटा सा बनाई हूँ आपको। बैठ गया है।
बैठने के लिए तकिए है, बैठने अपने अपने बक्सों में। एक चीज़ यहाँ पर भी मैं बना के टंगी है, यहाँ पर मेरा इन्वर्टर है और यह है मेरा गमला। यहाँ पर सिलाई मशीन है, जगह नहीं है किस रूम में किचन में रखने का, तो यहीं पर रहता है सिद्धी भी। यहाँ पर एक मेरा मनी प्लांट का पौधा, मेरी तुलसी जी है। अभी अभी मैं कलर की हूँ, कल परसों की थी। यह मेरे गुलाब के फूल और ये बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे प्यारा है। ये सारा मैं कलर करती हूँ। ये समिति का पौधा है, ये है अपराजिता का पौधा, मेरा अपराजिता कदम। देखिए कितने भर भर के फ्लावरिंग हो रहे हैं इस वक्त। यह गुड़हल है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट गुड़हल है, और यह वाला वो रेड गुड़हल है। यह छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा। मैं अपने बालकनी को इस तरह से डेकोरेट की हूँ, इस तरह दिखता है। यहाँ पर कभी कभार हम लोग बैठते हैं, इसलिए मैट भी बनाई है। बहुत ही प्यारा सा मेरा गार्डन, छोटा सा। देखिए मेरा छोटा सा किचन है, ज़रूरत की सारी चीज़ें। कुछ बदलना है भी किचन का, वो पर्दा लगाना है।